गाइस अब ये हम आपको लेकर आ गए हैं, दिखाइएगा भूली बतियारी के महल में। आप आते जाइए आगे गाइस। इस तरीके का ये एक हॉन्टेड जगह बताई जाती है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का जो बताया जाता है कि जो यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए कितनी पुरानी दीवार ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि कितना खौफनाक एक तरह से ये लगता है एंट्री में। और हम दिन के टाइम पे आए गए, देखिए दिन के टाइम पर यहाँ पर कितना ज़्यादा एक अजीब सा एक एहसास सा है यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर एक पुराने ज़माने का पूरा एक पत्थर का दरवाज़ा बनाया गया है, यहाँ पर बैठने की जगह है। और आपको अब अंदर लिए चलते हैं। ये एक पूरा एक इस तरीके का अंदर से दिखाई देता है गाइस, आप ये पूरा एक पूरा कैप्चर कर लीजिए, ये पूरा इस तरीके का है गाइस। अब हम आपको अंदर की तरफ से जो भूली बतियारी का महल है वो उसका पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। इसके सेकंड फ्लोर है उसे भी हम आपको दिखाएंगे गाइस, तो बने रहिए हमारे वीडियो में, थैंक यू। तो गाइस अब हम आ गए हैं, यहाँ से हमने अभी एंट्री ली है, यही है वो दरवाज़ा भूली बतियारी के महल के अंदर आने का। और ये आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे कमरे आप दिखा दीजिएगा कि किस तरीके से ये पूरा ये चार दीवारी के साथ साथ ये कमरे बने हुए हैं भूली बतियारी महल के अंदर। और गाइस ये बताया जाता है कि दिल्ली की टॉप मोस्ट जो हॉन्टेड जगह है ये उसी में से ही एक है जहाँ पर लोग आना पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर गाइस बहुत कम लोगों का आना जाना होता है। और आपको अब एक चीज़ दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे होंगे आगे जाके एक बार थोड़ा दिखा दीजिएगा, ये जो झील है इसमें भी गाइस आपको हम बता दें कि बहुत ज़्यादा जो मृत्यु है लोगों की हुई है यहाँ पर, जान गई है। ये पहले एक दलदल थी और इसमें भी कई लोगों की जान गई है, और इसी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो आना ज़्यादा यहाँ पर वर्जित है। और यहाँ पर आना भी किसी का ज़्यादातर अलाउड किया नहीं जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा एक खौफनाक एक हॉन्टेड जगह है एक तरह से। अब आप देख सकते हैं कि आप नीचे की तरफ आइएगा, आप आइए मेरे साथ, देखिएगा कि नीचे अब हम चल रहे हैं आपको इधर से लेकर। आपने झील देख ली है, झील गाइस ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड थी। अब ये नीचे की तरफ देखेंगे, पूरा महल आपको दिखाते हम चल रहे हैं। तो ये जो थी ये शिकारगाह थी, तो शिकारगाह जहाँ पर जो तुगलक थे, तुगलक जब शिकार करने आते थे तो वो शिकार करने के बाद यहाँ पर जो रेस्ट करने के लिए रुका करते थे, तो ये वो उनकी एक जगह थी। तो ये गाइस हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आज के दौर में ये माना जाता है कि दिल्ली की या फिर इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगह में से एक माना जाता है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दिन के टाइम पर भी गाइस यहाँ पर आपको एक भी इंसान नहीं दिखेगा, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। और हम आपको इसका एक रात का व्लॉग भी दिखाएंगे, मीन्स एक बार हम नाइट में भी इसका हम व्लॉगिंग करेंगे। लेकिन आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम इसकी नाइट व्लॉगिंग करें और ये किस तरीके से हम आपको दिखाएं, आप ही हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आप ये देख लीजिए कितने छोटे छोटे ये कमरे दिए गए हैं, ज़्यादा अंदर मत जाना, ये एक छोटे छोटे गाइस देखिए कमरे दिए गए हैं। आप अंदर की तरफ से दिखा दीजिए, कैमरे को अंदर कर दीजिए। ये है गाइस देखिए इस तरीके के ये जो कमरे हैं ये बनाए गए हैं इसमें। तो गाइस अब ये ऊपर का जो हिस्सा है भूली बतियारी के महल का, हम आपको इसकी तरफ लेकर चल रहे हैं। ये एक गाइस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह बताई जाती है, और रात के समय में तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बोलते हैं कि आवाज़ें आना और जो भी यहाँ पर मेंटेनेंस का जो कार्य भी होता था वो भी नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड भी होता है उसे भी मतलब हॉन्टेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो दिखाई देती रहती हैं। क्योंकि कहा जाता है गाइस कि उस ज़माने में जो भूली बतियारी का जो महल था, जो तुगलक थे वो यहाँ पर आकर जो विश्राम किया करते थे, एक्चुअली में ये उनका एक विश्राम की जगह थी जब वो यहाँ पर शिकार करने आते थे। तो उस टाइम पर ये एक बार अपनी रानी को लेकर आए थे, तो रानी जब यहाँ पर आई थी तो उस टाइम पर रानी ने यहाँ पर जो है कि रहने की इच्छा व्यक्त की थी। तो उस टाइम पर जो रानी ने जब बोला था कि मैं यहीं पर रहूँगी, तो उस टाइम पर बताया जाता है कि किसी ने उनका खून कर दिया था। उसके बाद से बताया जाता है कि आज भी उनकी जो आत्मा है वो यहीं पर ही भटकती रहती है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये बहुत ही ज़्यादा एक हॉन्टेड जगह है, और बताया जाता है कि ये यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी नहीं करते हैं, क्योंकि रात के टाइम पर उनके लिए भी एक ये हॉन्टेड जगह एक तरह से हो जाती है। क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपको एक तरह से आता जाता नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा एक इस तरीके से एक ऐसी यहाँ पर खौफनाक एक
हादसा भी हुआ हुआ है कुछ समय पहले। एक बार यहाँ पर एक शो हुआ था जिसमें से कि काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान चली गई थी, क्योंकि बोला जाता है कि कुछ नाट्य का यहाँ पर कुछ होता था जो शो होता था। तो उस टाइम पर बताते हैं कि जिस टाइम पर वो शो हो रहा था तो उस टाइम पर यहाँ पर आग लगने की वजह से उनकी मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पर बैठे थे जो दर्शक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बोला जाता है उन सब की आत्मा भी यहाँ पर है, उन जिनको मुक्ति अभी तक नहीं मिली है। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक हॉन्टेड जगह है, और दिन के टाइम पर भी एक ऐसा लगता है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सुनसान और एक खौफनाक। और अगर आप उसके एक बैक साइड में उधर की तरफ देखेंगे, आप एक बार उधर की तरफ दिखा दीजिए, ये पूरा उधर की साइड, आप चलिए आपको मैं पूरा दिखाता हूँ, ये पूरा एक जंगल है उधर की साइड में, आप देखिएगा। ये गाइस बहुत ज़्यादा एक हॉन्टेड और एक ये बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं खौफनाक एक जगह है जहाँ पर कोई भी शायद नहीं आता है। आप देख सकते हैं ये पूरा गाइस पीछे की तरफ ये पूरा जंगल है जहाँ पर कोई भी सड़क कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको मैं आगे की तरफ और दिखा देता हूँ, जो इसका सेकंड जो इसका खंड है, जो सेकंड फ्लोर बोल सकते हैं आप, वो इस तरीके का यहाँ से दिखाई देता है। गाइस ये देखिएगा कि ये जो पिल्लर भी है, ये देखिए किस तरीके से ये पत्थर है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको शायद कि ये पुराना, ये वही टाइम का वही दौर का ये पुराना ये दीवार है। और आप देख सकते हैं गाइस ये बहुत ही ज़्यादा डरावना, दिन के टाइम पर तो इतना डरावना है तो रात को तो ये और ज़्यादा खौफनाक लगता होगा, क्योंकि दिन में ही यहाँ पर गाइस कोई भी आता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाजाही बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक भूल भुलैया टाइप का है यहाँ पर, ये देखिए कितना पुराना है गाइस, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से डेंजरस है। तो आइए अब हम आपको इसके नीचे का कक्ष दिखाएंगे किस तरीके से है। और गाइस आपको एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही एक्सक्लूसिवली इस जगहों पर जो है विज़िट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल का सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और हम आपको अब नीचे की तरफ लिए चलते हैं। थैंक यू गाइस। अभी हमारे यहाँ से निकलते हुए हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दी थी, एक्चुअली में हमें यहाँ पर किसी ने बताया है कि इसके जस्ट सामने एक पार्क भी बताया जाता है, उस पार्क के अंदर भी एक हमें एक इस तरीके का पेड़ बताया गया है जिसमें बहुत सारी कीलें भी लगी हुई हैं। आप देख सकते होंगे, शायद मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, आप देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर ये जो कीलें हैं यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर भी वो जो है लगाई गई हैं। ये भी एक ज़्यादा मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा शायद ही कुछ होता है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये जो सामने जो इसका जो एक ये जो ग्रीन बेल्ट टाइप का कुछ एरिया है, ये भी एक बहुत ज़्यादा सुनसान है। बोला तो ये पार्क जाता है बट ये भी एक बहुत ही सुनसान पार्क ही है। यहाँ पर भी मुझे शायद ही कोई आता हुआ दिख रहा है इस टाइम पर। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का ये एक सुनसान पार्क है जहाँ पर एक भी इंसान शायद ही मुझे नज़र आया है अभी तक। ये देख सकते हैं गाइस, ये जगह बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। भूली बतियारी के महल के जस्ट सामने ही है ये, और वो जो भूली बतियारी का महल है वो भी एक अपने आप में एक हॉन्टेड जगह है, जो कि बताई जाती है कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में जो कहानियां हैं वो बताई जाती हैं कि वो कितना ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। इसीलिए वहां पर किसी गार्ड की भी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि उनको भी रात के टाइम पर जो है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या फिर आवाज़ें आना ये सब उनको भी एहसास होता है। तो इसी वजह से वहां पर आप देखेंगे कि शायद ही वहां पर कोई आपको गार्ड या फिर कोई रखवाली के लिए वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर जाना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं ये भूली बतियारी के महल की पीछे की बैक साइड की जो शायद दीवारें हैं आपको दिख रही होंगी, ये पूरा एक जंगल है। आप ये देख सकते हैं पूरा रोड जो है ये बिल्कुल खाली है इस टाइम पर, यहाँ पर शायद ही गाइस कोई आता है। आप देख लीजिए आगे पीछे यहाँ पर रोड पर रास्तों पर कोई भी नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है दिन में भी, और इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी नहीं आता है गाइस। हम जब अभी आए हैं यहाँ पर तो हमें एक कोई गार्ड या फिर
कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखा है, जस्ट बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड जगह मानी जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये हम आपको पीछे से हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से बैक साइड से जो दीवारें हैं वहाँ का व्यू किस तरीके का है भूली बतियारी के महल का। ये देखिए गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। हम आपके लिए ही ये जो ब्लॉग्स हैं, जो इस तरीके के जो ब्लॉग्स होते हैं, हम आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर जो इस तरीके की जो लोकेशन होती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड एक्टिविटीज़ बताई जाती हैं, वहाँ पर हम आपके लिए ये ब्लॉग्स लेकर आते हैं।